फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम मेंस शर्ट की फिटिंग करना सीखने वाले हैं। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, काफी ज्यादा लूज है और ये स्कूल यूनिफॉर्म है मेरे भाई की, तो ये बाजू से भी काफी ज्यादा लूज है और हर साइड से काफी ज्यादा लूज है। तो इसको हमने थोड़ा सा साइज ना बड़ा ही लिया है, क्योंकि बार बार तो भैया हम यूनिफॉर्म दिलाते नहीं रहेंगे, लेते नहीं रहेंगे, इस वजह से इसको हमने थोड़ा सा ढीला लिया है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको इसकी फिटिंग करने बताने वाली हूँ और ये वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल भी रहेगी। इस तरीके से आप किसी भी मेंस शर्ट को फिट कर सकते हैं, बहुत ही आसान और इजी तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और इसको मैं बहुत ज्यादा फिट नहीं करूंगी, हल्का सा फिट होगा। ज्यादा फिट करेंगे तो यहाँ पर सिलवटें आ जाती हैं, क्योंकि मेंस शर्ट की जो कटिंग होती है वो इसी तरीके से होती है। और मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनकी रिक्वेस्ट थी कि मैं मेंस शर्ट की पूरी कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूं। तो मैं लेडीज के जो ड्रेसेस हैं वो डिजाइन करती हूँ। मैंने मेंस में अभी मतलब स्टार्ट नहीं किया है और मुझे ये वाला जो कॉलर है ना वो बनाने में काफी ज्यादा दिक्कत भी आती है, मतलब इतना सीखने के बावजूद। जब मैं अच्छे से सीख जाऊंगी तब मैं बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेरी जो सब्सक्राइबर है उनका नाम है रिकाइजा आफिशा, आई होप कि मैं बिल्कुल अच्छे से प्रोनाउंस कर रही होंगी। तो उन्होंने देखे मुझे इंस्टाग्राम पर ये मैसेज डाला हुआ है और उन्होंने बहुत ही प्यारा सा एक ऑडियो भी मुझे भेजा था, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, सुने जरा। अस्सलाम वालेकुम रुखसार, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं आपके हर वीडियोस देखती हूँ, चाहे वो कटिंग के बारे में हो या फिर डेली व्लॉग्स हो, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। लिटरली बेसिक से लेके हर चीज तक मैं बिल्कुल डब्बा हूँ, डब्बा कटिंग और स्टिचिंग के मामले में। बट थैंक यू ओनली फॉर यू, बिकॉज अगर आप ना सिखाओ ना तो कुछ समझ में भी नहीं आता। और ऐसा है ना, पहले मैं देखती थी, एक से दो बार देखना पड़ता था वीडियो, दो से तीन बार स्टार्टिंग में, उसके बाद कट करती थी। अब तो एक बार में समझ गई, चलो अब काट लेती हूँ। कि मेरे हस्बैंड बोलते हैं, ये जो तुम वीडियो जिनकी देखती हो ना रुखसारे का नाम, उन्होंने तुमको गधी से इंसान बना दिया है। मीन्स लिटरली यू आर अमेजिंग। और सबसे अच्छी बात है सिंपलिसिटी आपकी, क्योंकि देखती हूँ कुछ है ऐसे यूट्यूबर्स, मतलब जो कुछ बन गए तो बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन यू आर सो सिंपल। आपका बात करने का तरीका, मतलब मैं इतना ज़्यादा आपसे रिलेट करती हूँ। सॉरी मैं ये रिकॉर्डिंग करके भेज रही हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है ना वो। और थैंक यू मैम, मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकती, आपने जो मेरे लिए किया है, मतलब मैं किसी और को यहाँ इंडिकेट नहीं करूँगी, जो आपने मेरे लिए किया, मुझे इतना ज़्यादा मतलब खुद में फील होता है कि यार मेरे अंदर टैलेंट है, बस उन्हें आपने तराश दिया, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू मैम, गॉड ब्लेस यू, आप हमेशा खुश रहो। तो ये थी एक मेरी बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर, इट मीन्स अ लॉट टू मी कि आप इतना ज्यादा प्यार देते हैं मुझे। तो चलिए अब हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले आपको शर्ट को उल्टा करके बिछा लेना है, इसके एक साइड को आप इस तरीके से पकड़िए और यहां पर आपको जितनी भी बाजू कम करनी है उसके हिसाब से यहां पर आपको निशान लगाने हैं। तो यहाँ पर हम जो गोलाई रखेंगे वो करीब यहाँ पर 5.5 इंच रखेंगे, बहुत ज्यादा फिट नहीं करेंगे इसको। अगर आप बहुत ज्यादा फिट कर देंगे तो ये बिल्कुल लेडीज शर्ट की तरह हो जाएगा, तो इसको हम हल्का फुल्का ढीला ही रखेंगे। तो यहां से देखिए हमने इस तरीके से सिलाई लगानी है और यहाँ पर आपको घुमाते हुए सिलाई लगानी होगी इस तरीके से, कुछ रोकना नहीं आपको, ऐसे करके नहीं, खड़े करके सिलाई नहीं लगानी, घुमा के इस तरीके से सिलाई लगानी है। और यहां से बिल्कुल कपड़े को एकदम सीधा करके रखिए, क्योंकि ये जो कपड़ा होता है मोटा होता है और अंदर की तरफ घुसने लगता है, तो इसको आपको बिल्कुल सीधा करके रखना है। और यहां से हल्का सा ये आपकी कमर वाला पार्ट है, तो यहां से हम इसको हल्का सा अंदर की तरफ करेंगे और इसको बाहर की तरफ निकाल देंगे। यहां पर कभी भी शर्ट को नीचे से इतना आपको नहीं दबाना, मतलब पूरा दबाना नहीं है कभी भी, क्योंकि ये जो शर्ट होती है इसकी कटिंग कुछ इस तरीके से होती है कि अगर आप इसको दबा देंगे तो ये कभी भी ठीक नहीं बैठेगी। तो इसको आपको जो सिलाई लातनी है वो इस तरीके से इसी सिलाई से मिला देना है नीचे तक। ये इतना जो पार्ट होता है हमारा नीचे वाला, ये हमारा पैंट के अंदर इन हो जाता है तो वो ये नजर नहीं आता। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से निशान लगाने हैं पहले तो। तो यहाँ पर हमने ये निशान लगा लिए, अब इसकी हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। अगर आपको मान लीजिए आपको यहाँ पर इतना ज्यादा फिट करना है तो यहाँ पर जो है ना इस तरीके से ये कपड़ा यहाँ पर ऐसे इकट्ठा होने लगता है, तो जब आप इसे सीधा करेंगे तो ये बिल्कुल भी फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। तो यहाँ पर आपको एक कट लगा देना है, छोटा सा जैसे हम वी वाला कट लगाते हैं वैसा कट लगा देना है, तो ये आपका अच्छे से बैठ जाएगा। बट बहुत ज़्यादा आप फिट करेंगे तो वो ठीक नहीं बैठेगा, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ
कि आपको कम ही यहाँ पर फिटिंग करना है। तो अब ये निशान लगा लिए हमने, इन्हीं पर हमें सिलाई चलानी है। तो ये लग गई हमारी एक साइड की सिलाई। अब ऐसे ही हमें निशान दूसरी वाली साइड की तरफ भी लगाने हैं और इसकी भी ऐसे ही सिलाई लगानी है। इस साइड की तरफ देखें, कहीं से कोई कपड़ा ज्यादा दबा नहीं है, बिल्कुल अच्छे से ये हमारा इस तरीके से सिलाई लग जाएगी। आप चाहें तो यहाँ पर डबल सिलाई भी लगा सकते हैं, बट अभी मैं इसको पहना कर दिखाऊंगी। अगर फिटिंग की जरूरत है और ज्यादा तो मैं यहाँ पर एक सिलाई अंदर की तरफ लगाऊंगी, अगर फिटिंग की जरूरत नहीं है तो मैं एक सिलाई बाहर की तरफ लगाऊंगी। तो इस तरीके से आपको अपनी फिटिंग करनी है। अभी हम दूसरी वाली साइड की तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। सो गाइज, अब हम एक सिलाई और लगाएंगे यहां पर, और वो सिलाई हम इस तरफ लगाएंगे, जैसे कि अगर कभी ये शर्ट हमें ढीली करनी है तो हम वो भी कर सकते हैं। तो देखिए, जो हमारी शर्ट की साइड फिटिंग है वो अच्छे से हो गई है, और शर्ट का जो मटेरियल होता है ना, देखिए यहाँ से बिल्कुल भी सिकुड़न नहीं आ रही है। तो अगर आपके यहाँ पर ऐसे ऐसे गैदर आ जाते हैं ना, तो आपने गलत फिटिंग करा है, बट अभी हमारे बिल्कुल भी यहाँ पर सिकुड़न नहीं आ रही है और बिल्कुल ठीक है हमारा। ये दूसरी साइड से भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, इस वाली साइड से भी बिल्कुल ये हमारा ठीक आ रहा है, सीधा आ रहा है। शर्ट का जो मटेरियल होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है, तो इसको जब तक आप प्रेस से नहीं बिठाएंगे ये बिल्कुल अच्छे से नहीं सेट होगा। तो इस पर हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे, उसके बाद में मैं आपको इसका ओवरऑल लुक दिखाती हूँ। और अब ये हमारी बिल्कुल फिट हो गई है। एक्चुअली मैं जो इसकी पैंट है वो काफी ज्यादा लंबी भी है, लंबाई में थोड़ी सी बड़ी भी है, तो इसको मैं देखें इस तरीके से एक बार यहाँ पर इस तरीके से देखें मोड़ लिया है हमने, और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। उसके बाद में ये वाला जो पार्ट हमारा देखें इस तरफ से उठ रहा है, इस पर हम यहाँ पर तुरपाई कर देंगे। इससे क्या होगा कि आप फ्यूचर में आप इसे खोल करके थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका बच्चा बढ़ जाता है तो आप इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। यूनिफॉर्म्स जो होती है वो काफी दिनों तक काम आती हैं, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए, एक बार मैंने इसको मोड़ लिया है, दूसरे साइड से भी आपको एक बार इसको ऐसे मोड़ लेना है। इस पर जो सिलाई लगानी है वो आपको जरा ध्यान से लगानी है, क्योंकि इसमें कपड़ा बहुत ज्यादा ना दूसरी वाली साइड की तरफ छुप जाता है अंदर की तरफ, तो हमें नजर नहीं आता। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल अच्छे से इसको पहले मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद अब यहाँ पर हमें सिलाई लगानी होगी। इस वाले पार्ट को बिल्कुल सीधा कर लीजिए, क्योंकि इसके नीचे काफी बार कपड़ा दबा हुआ होता है इस तरीके से। तो नीचे से हमें इसे इसमें शर्ट से इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसमें हमें नीचे से दबाना होता है, क्योंकि नीचे से बहुत ज्यादा ढीली होती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती है। तो इसको हम इस तरीके से देखें सारा कपड़ा इस तरफ कर देंगे, और यहाँ पर हम इतना इसको दबाएंगे। आप अपने हिसाब से इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, अगर आपको और नैरो करना है इसे तो आप और कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल सीधी सीधी सी, बिल्कुल सीधी सिलाई लगती है इसमें, कहीं पे आपको टेढ़ा नहीं करना। जैसे आपका कपड़ा जा रहा है बिल्कुल वैसे ही आपको पूरे में इस तरीके से सिलाई लगानी है। अब आ गई हमारी मियानी वाली पार्ट। तो मियानी वाले पार्ट पर आपको कोई भी यहाँ पर दबाव नहीं देना, मियानी वाले पार्ट से आपको इस तरीके से इसको मिला देना है क्रॉच वाले पार्ट से। ये आपकी सिलाई कुछ इस तरीके से आएगी। तो ध्यान से देखिएगा कि आपको सिलाई कैसे लगानी है। यहाँ पर आने के बाद दोबारा से आपको यहाँ पर फिट करना है। अगर आप यहाँ पर से भी मिला देंगे तो ये वाला पार्ट आपका ढीला लगेगा और नीचे टाइट हो जाएगा, फिट हो जाएगा। और जितना हमने उस तरफ दबाया था उतना ही आपको इस साइड की तरफ दबाते हुए पूरे में नीचे तक सिलाई लगानी है। ये पूरे में निशान लगा लिए हमने, अब इन्हीं निशानों पर सिंपली सिलाई लगानी है। एक ही सिलाई में आपका ये पूरी जो पैंट है वो अच्छे से रेडी हो जाएगी।
यहाँ पर आप सिंपली हमें तुरपाई कर लेनी है, जैसे पहले तुरपाई हो रखी थी, इस तरीके से आपकी जो पैंट है वो भी आप फिट कर सकते हैं। बहुत ही आसान और इजी तरीका है अपने यूनिफॉर्म फिट करने का, और आप इसको रीयूज भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो यस गाइज, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो प्लीज 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 लाइक करना ना भूलें, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, खुदा हाफिज़।